मैं 2011 और 12 में फेसबुक के साथ था। मैं इंस्टाग्राम के पहले एम्प्लॉइज में से थी। मैं गूगल और यूट्यूब में था। एप्पल, गूगल, ट्विटर, पाम। मैं मोज़िला लैब्स शुरू करके फायरफॉक्स में गया। ट्विटर में मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग था। मैं पिंटरेस्ट का प्रेसिडेंट था। उससे पहले 5 साल तक मैं फेसबुक में डायरेक्टर ऑफ मोनेटाइजेशन था। ट्विटर में काफी साल मैंने उनका डेवलपर प्लेटफॉर्म चलाया, फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट का हेड बना। मैं गूगल ड्राइव, जीमेल चैट, फेसबुक पेज और लाइक बटन बनाने वालों में से एक था। अगर मैं आज की बात करूं तो हर टीनेजर किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाजमी यूज कर रहा होगा। सोशल मीडिया जो हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, बल्कि मैं ज़रूरत कहूँगा। नेटफ्लिक्स ने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री ड्रामा रिलीज़ किया है जिसका नाम है द सोशल डिलेमा। आप में से बहुत से लोगों ने ये ड्रामा देख लिया होगा। सोशल डिलेमा हमारी न्यू एज इंटरनेट सोसाइटी पर बेस्ड है। इसमें बताया गया है कि सोशल मीडिया किस तरह हमारी सोसाइटी को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है और किस तरह सोशल मीडिया कंपनी हमें इस्तेमाल करके मुनाफा कमा रही हैं। आज हम इस डॉक्यूमेंट्री के रेफरेंस से ये जानेंगे कि सोशल मीडिया के बड़े बड़े असरात जो हमारी फैमिली, गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स को किस तरह तब्दील कर रहे हैं। आज के दौर में रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा इंटरनेट और स्मार्टफोन को हमारी बुनियादी ज़रूरत माना जाता है। इंटरनेट बहुत ही अहम चीज़ बन चुकी है, क्योंकि लोग शॉपिंग, इंटरटेनमेंट, यहाँ तक कि कोविड-19 के चलते तमाम तालीमी निज़ाम भी इंटरनेट पर इन्हसार करने लग गया है। यहाँ तक कि विदाउट इंटरनेट आज आप हमारी वीडियो भी नहीं देख पा रहे होते। इंटरनेट रेवोल्यूशन आने से पहले ही कई लोगों ने इसका मुस्तकबिल देख लिया था। इन्हीं में से आज कुछ कंपनीज़ जिनमें गूगल, अमेज़ोन, फेसबुक वगैरह शामिल हैं, इन कंपनीज़ के दुनिया भर में लातादाद यूज़र्स हैं। द सोशल डिलेमा डॉक्यूमेंट्री में तकरीबन तमाम सोशल मीडिया कंपनीज़ के सबका इंजीनियर्स को बुलाया गया था। इन इंजीनियर्स ने अपने हाथों से ही इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डिवेलप किया था। इनमें से एक ने फेसबुक का लाइक बटन भी बनाया था। इन एक्स एम्प्लॉय के मुताबिक हमारा मकसद लोगों को एक अच्छे तरीके से एक दूसरे से जोड़ना था। और आजकल लोग सोशल मीडिया पर ही सदका और खैरात और ब्लड डोनेशन भी करते हैं, और सोशल मीडिया एक आम इंसान को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जहां वो अपनी राय का इजहार मुकम्मल आज़ादी के साथ कर सकता है। फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, कमेंट का ऑप्शन लोगों को खुशी और सपोर्ट देने के लिए बनाया गया था। अगर असल हकीकत तो ये है कि सोशल मीडिया पर आजकल कम लाइक्स आने पर बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। नंबर गेन और सोशल वैलिडेशन के चक्कर में कई सारे टीनेजर कई कई घंटे सोशल मीडिया यूज़ करके अपना वक्त ज़ाया करते हैं। अगर हम पिछले कई सालों का मुवाजना मौजूदा सालों से करें तो इन सालों में टेक्निकल एडवांसमेंट बहुत तेज़ी से ग्रो हुई है, और दूसरी तरफ हम इंसानों के ब्रांड डेवलपमेंट की स्पीड अभी भी स्लो है। इसी साइकोलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल करके कई सारी सोशल मीडिया कंपनीज़ अपनी ऐप्स और वेबसाइट को डिज़ाइन करती हैं। ये सब इसलिए किया जाता है कि आप इन ऐप्स पर बहुत सारा वक्त गुजारें। ये कंपनी आपको दर्जनों एड्स दिखाकर बहुत सारा मुनाफा कमाती हैं। आप सब ने ये बात तो नोट की होगी कि तमाम सोशल मीडिया की साइट्स बिल्कुल फ्री हैं। इन साइट्स को कोई भी फ्री में ज्वाइन करके इस्तेमाल कर सकता है। इस चीज़ के मुतालिक एक इंग्लिश कॉल है, इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि हम इन कंपनीज़ के लिए एक प्रोडक्ट हैं जिन्हें वो फरोख्त करके बहुत सारा मुनाफा कमाती हैं। ये मुनाफा कमाया जा रहा है हमारे डेटा की बुनियाद पर। मुझे पता है कि आप डेटा से मुराद अपनी प्रोफाइल पिक्चर, मोबाइल नंबर, ईमेल, लोकेशन ले रहे होंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। डेटा से मुराद जब आप एक ऐप या वेबसाइट को इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि फेसबुक, यूट्यूब, आप जो सर्च करते हैं, आपका कीवर्ड, आपकी सर्च हिस्ट्री, लाइक, कमेंट, डिसलाइक, शेयर वगैरह, ये तमाम डेटा इन कंपनीज़ के सर्वर में स्टोर हो जाता है। ये कंपनीज़ अपने स्मार्ट एल्गोरिथम हमारे डेटा, लाइक, डिसलाइक की बुनियाद पर हमें टारगेटेड एड्स दिखाती हैं।
इसी तरह की कुछ पोस्ट्स और वीडियो लोगों को गलत रास्ते पर डाल देती हैं, जिससे उनके ख्यालात और इमोशंस को इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि कोरोना के आगाज़ में कुछ लोग सामने आए थे, उनका कहना था कि यह कोरोना की वबा एक अफवाह है, बल्कि हुकूमतें 5G टावर्स का एक्सपेरिमेंट करने वाली हैं, इसलिए हमें घरों में बंद किया जा रहा है। ये सारी फेक न्यूज़ लोगों तक फ़कत सोशल मीडिया के ज़रिए ही पहुंचती हैं। दी सोशल डिलेमा डॉक्यूमेंट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, जो बहुत सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए मजबूर करता है। बाज़ औक़ात हमें लगता है कि हम सोशल मीडिया के आदि हो रहे हैं, तो हम एक प्लान बनाते हैं कि अब हम इन चीज़ों से दूर रहेंगे, मगर कुछ देर बाद हमें एक नोटिफिकेशन मौसूल होता है। जैसे ही हमें ये नोटिफिकेशन मौसूल होता है, हम खुद से किया गया अहद भूल जाते हैं और अपना मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता होगा कि मेरी विलिंग पावर यानी खुद पर काबू पाने की सलाहियत कमज़ोर है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की स्क्रीन के पीछे हज़ारों इंजीनियर बैठे होते हैं। वो एक ऐसा सिस्टम बना रहे होते हैं जो आपको अपने फ़ोन पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने पर मजबूर करे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो इंजीनियर्स इन एल्गोरिथम को डिज़ाइन करते हैं, उनका ये कहना है कि वो खुद इस लत से बच नहीं सकते, क्योंकि ये एल्गोरिथम इंसानी नफ्सियात के साथ खेलता है। बात ये नहीं कि वो हमारी नफ्सियात और वक्त के साथ खेले गए खेल को रोक नहीं सकते, बल्कि वो ये करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको चाहिए पैसा, इसके लिए चाहे आपका फ्यूचर ही दांव पर क्यों ना हो। मौजूदा चंद ही सालों में सोशल मीडिया एडिक्शन और डिप्रेशन की वजह से नौजवान नस्ल में खुदकुशी की शरह काफ़ी हद तक बढ़ गई है। अमेरिका में सेल्फ हार्म यानी खुद को अपने हाथों से ही तकलीफ़ देना 15 से 19 साल की लड़कियों की शरह 62% तक चली गई है, जबकि 10 से 14 साल की लड़कियों की शरह 189% तक चली गई है। वहीं खुदकुशी का रेट 15 से 19 साल की लड़कियों में 70% तक बढ़ा है, जबकि 10 से 14 साल की लड़कियों में ये रेट 151% तक चला गया है। पाकिस्तान में भी खुदकुशी का रेट तकरीबन 36% तक चला गया है। नौजवान नस्ल खुदकुशी क्यों करती है? इसकी वजह ये है कि नौजवान नस्ल असल ज़िंदगी को सोशल मीडिया की ज़िंदगी से कंफ्यूज कर देती है। वो समझते हैं कि मोर लाइक्स इज़ इक्वल टू मोर अट्रैक्शन। ज़्यादा लाइक्स और सस्ती शोहरत पाने के लिए नौजवान नस्ल कुछ भी कर देती है। अगर उनको लाइक फेम नहीं मिलता तो वो एक डिप्रेशन में चले जाते हैं। इंस्टाग्राम फिल्टर के ज़माने में हमारी नौजवान नस्ल अपनी असल शनाख्त खो रही है। क्या हम इन्हें इल्ज़ाम दे सकते हैं? क्या आखिरकार एक पेंसिल से तैयार करदा स्केच पर ज़्यादा लाइक आएंगे या फिर एक वियर्ड पोज वाले एक फ़ोटो पर? मुझे गलत मत समझे, ये लाइक कमेंट फेम सब की भूख होती है, मगर एक समझदार आदमी इस चीज़ से निकल आता है। मगर हम अपनी नौजवान नस्ल का क्या करेंगे? गूगल के बारे में आप क्या कहते हैं? अगर आप भी यही मानते हैं कि गूगल के पास हमेशा ही दुरुस्त जवाब होते हैं, तो आप गलत हैं। लोग गूगल पे क्लाइमेट चेंज इज टाइप करें तो हर इलाके में अलग रिजल्ट पाएंगे। कुछ शहरों में आपके वाक्यों को पूरा करेंगे कि क्लाइमेट चेंज इज अ होक्स यानी झूठ है। कहीं और मिलेगा कि क्लाइमेट चेंज प्रकृति को तबाह कर रहा है। तो इसका आधार क्लाइमेट चेंज की सच्चाई नहीं है, बल्कि वो जगह जहाँ से आप गूगल कर रहे हो और आपकी पसंद की बातें भी जो गूगल जानता है। वाओ, मतलब अगर कल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई मसला दरपेश आ जाता है, तो इंडिया में बैठे लोग जब ये सर्च करेंगे कि मसला है क्या, तो उनको बताया जाएगा कि सारी गलती पाकिस्तान की है। इसके बरक्स अगर कोई पाकिस्तानी ये सर्च करता है कि रीज़न क्या है, झगड़ा क्यों हुआ, तो गूगल उनको ये बताएगा कि भाई पाकिस्तान तो बिल्कुल मासूम है इस मामले में। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया पूरी तरह बेकार है, इसके फ़वाद अपनी जगह हैं, मगर नुकसान का क्या? क्या इन कंपनीज़ के मालिक ये सब तब्दील नहीं कर सकते? यकीनन कर सकते हैं, मगर हमारे पास उनको कंट्रोल करने के लिए कोई कानून नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम किस तरह अपनी फैमिली, भाई बहन, दोस्त और अजीज़ो अकारिब को इससे बचा सकते हैं। नंबर एक,
किसी भी वीडियो या पोस्ट को शेयर करने से पहले उसकी छानबीन ज़रूर कर लें, उसका सोर्स चेक कर लें। अगर कोई हाफ इंफॉर्मेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही हो तो उसको रिपोर्ट करें। नंबर दो, अपनी फैमिली के बच्चे या 16 से 17 साल के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से रोकें या फिर एक लिमिट में इस्तेमाल करने की इजाज़त दें। नंबर तीन, आपके मोबाइल में जितनी भी ऐप्स हैं उनके नोटिफिकेशंस को अभी के अभी बंद कर दें। नंबर चार, मैं आपको सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बिल्कुल नहीं रोकूंगा, पर आप इतना तो कर सकते हैं कि सोने से पहले एक घंटा मोबाइल को ऑफ कर दें और सुबह के पहले घंटे में मोबाइल को बिल्कुल ना छेड़ें। अगर आप एक सियासी पार्टी को फॉलो करते हैं या किसी आइडियालॉजी पर यकीन रखते हैं तो अपने मुखालिफ लोगों को फॉलो करें और उनकी बात को लाजमी सुनें ताकि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो सके। अपना असल वापस लाएं, किसी को फॉलो मत करें, अंधी तकलीद से बचें। दी सोशल डिलेमा डॉक्यूमेंट्री को ज़रूर देखें और इस टॉपिक पर दोस्तों से बात करें। इस वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।